जबलपुर कर्नाटक के घटनाक्रम को लेकर आज पूरे देश और प्रदेश में कांग्रेस संविधान बचाओ दिवस मना रही है, जिसके तहत आज कांग्रेस ने टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के सामने शांतिपूर्ण धरने का आयोजन किया। लेकिन कांग्रेस के धरने में महज मुट्ठी भर कांग्रेसियों की उपस्थिति ने कांग्रेस के भीतर जारी गुटबाजी को एक बार फिर उजागर कर दिया। धरना स्थल पर केवल कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश यादव और उनके उंगली पर गिने जाने वाले समर्थक ही मौजूद थे। सभी जगह है, हमारे कार्यक्रम अलग अलग चल रहे हैं। हम लोगों के चुनाव को भी वर्ष ही समय बहुत कम है। हमारे अन्य कार्यकर्ता लोकल स्तर पर भी काम पर लगे हैं। आज भोपाल में भी बैठक हैं, कई हमारे विंग्स वहाँ भोपाल में भी गए हुए हैं। ऐसे हमारी अलग जगह चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर भीड़ का अगर ऐसा हमारे अगर होता तो हम आज इसको कहीं सिविक सेंटर कर रहे थे। आज हमारा जो इसका उद्देश्य था, अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी के समक्ष जो जिन्होंने देश की आजादी दिलाई उनके समक्ष ये करने का आदेश था, इसलिए यहाँ पर हम लोग बैठे। जबलपुर से EMS TV के लिए कमलेश पटेल की रिपोर्ट।